दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के कुंजर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और CRPF ने सारे इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला है और खबर लिखे जाने तक रुक रुक कर गोलीबारी जारी थी। वहीं जिला राजौरी के कालाकोट में भी आज तीसरे दिन भी आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। न्यूज़ टुडे राष्ट्र के लिए कश्मीर से आदिल अब्दुल्ला के साथ जम्मू से संजीव बराल की रिपोर्ट।